हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से आपके साथ छोटा सा एक ट्यूटोरियल, क्राफ्ट ट्यूटोरियल शेयर करने आई हूं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या बना रहे हैं और हमें क्या क्या चाहिए। आज हम बनाएंगे पेपर स्नोफ्लेक्स। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें इसके लिए चाहिए एक शीट, कोई भी शीट आप ले सकते हैं, ओरिगेमी शीट मैंने ली है यहाँ पर, और नॉर्मल पेंसिल या कोई भी पेन या कुछ भी ले सकते हैं आप, और एक सीजर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें इस पेपर को फोल्ड करना होगा। अब इस पेपर को हमें इस तरह से फोल्ड करना होगा और इस वाली साइड को इस तरह से फोल्ड करना होगा। अच्छे से ये नीचे के दोनों पॉइंट जहाँ पे क्रॉस करेंगे यानी कि मिलेंगे एक दूसरे को, वहाँ पे हमको उस तरह से इसको फोल्ड करके बिल्कुल ऐसे पॉइंट। अब इसको एक और बार यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। आप इस साइड से भी ले सकते हैं और आप इस साइड से भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। दोनों में से किसी भी साइड आप फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड हो चुका है गाइस। तो अब हम मैं स्नोफ्लेक्स टाइप का कोई भी एक छोटा सा डिजाइन ड्रॉ करूंगी। तो चलिए हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से, फिर इसको यहाँ से ऐसे ले जा करके इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है गाइस, अब इसको ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको कट कर लेते हैं। तो गाइस ये कट के कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये रेडी है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, देखेंगे कैसा बना है ये। ओके, तो देखिए गाइस हमारा ये स्नोफ्लेक्स बन के रेडी है। कैसा लगा आपको गाइस ये हमारा छोटा सा पेपर क्राफ्ट ट्यूटोरियल? आई होप सो आपको ये पसंद आया हो गाइस। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा क्राफ्ट देखना है। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। थैंक यू गाइज़।